हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 19th एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, दो क्वेश्चन नीट 2017 का। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। एक रेन ड्रॉप है और वो हैविंग मास 1 ग्राम। 1 ग्राम मास का एक रेन ड्रॉप है और वो जो रेन ड्रॉप है वो फॉल हो रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हाइट से वो फॉल हो रहा है और वो हिट करता है ग्राउंड को विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड को तो उसकी जो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी, वो है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ही कम है 50 मीटर पर सेकेंड। इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि शायद कोई एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से कोई बॉडी गिरता है तो 1 किलोमीटर गिरने पर उसकी वेलोसिटी 50 से थोड़ी ज्यादा ही होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में। और जो दूसरा यहां पर कह रहा है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है उसके वजह से जो वर्क डन हुआ है वो हम लोग को इस क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। टेकिंग जी कॉन्स्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में देता है टेक जी एज कॉन्स्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसलिए देता है क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है वो हाइट के साथ साथ वेरी करती है। इस वजह से यहां पर क्लियरली दे दिया कि जी की वैल्यू को हम लोग यहां पर लेना है 10। अब यहां पर मैं बता दूं कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसको हम लोग सबसे पहले यहां पर यूज करेंगे। तो देखो, जो ग्रेविटेशन का वर्क है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, धरती का प्रकोप। ठीक है, तो उसके वजह से जो यहां पर वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये सरफेस है, ग्रेविटेशन फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और जो पार्टिकल डिस्प्लेस होकर आया वो भी नीचे की तरफ आया। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल की वजह से वर्क होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की है वो बहुत ज्यादा कम है, 50 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा कम है। पार्टिकल 1 किलोमीटर हाइट से फॉल हो रहा है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए वो इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए। 50 मीटर पर सेकंड अगर पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल टोटल 5 सेकंड तक एयर में ट्रैवल किया है। सोच के देखो, हर एक सेकंड में अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। हर एक सेकंड में जो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है वो 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होती है। तभी कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हर एक सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 10 से बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर 50 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है तो जो नॉर्मल कंडीशन होता है अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, तो उस केस में अगर जी का एक्सेलरेशन पूरा पूरा एक्ट कर रहा है तो 5 सेकंड में पार्टिकल नीचे फॉल हो जाता है, और 5 सेकंड में पार्टिकल 1 किलोमीटर नॉर्मल कंडीशन में फॉल नहीं हो पाता है जब केवल जी का एक्सेलरेशन होता है। यहां पर हम लोग को पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो जो रेजिस्टिव फोर्स के वजह से जो हम लोग के पास वर्क डन आएगा, वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स वुड बी नेगेटिव। ठीक है, इसको अगर हम लोग यूज करें यहां पर तो पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर एक ये है और पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर ये नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर एक ये है और पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर ये नहीं है, तो जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है 1 और 3, इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर यहां पर होगा। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन हो गया ये क्या हो गया, फोर्स को रिप्लेस कर देंगे एम से और जी से, और डिस्टेंस तो हमारा है ही जो कि हाइट हो गया यहां पर। तो एमजीएच को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो मास है वो है 1 ग्राम, तो इसको जब हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/1000। ठीक है, उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एच से तो एच क्या है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो वापस हो जाएगा 1000 मीटर्स, तो 1000 1000 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा खाली जी जो कि है 10। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोच के देखो, 1 ग्राम में केजी में कन्वर्ट करोगे 1/1000 इंटू जी 10 इंटू एच, एच क्या है यहां पे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो हो जाएगा 1000, तो 1/1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली जी जो कि यहां पर आंसर हो जाएगा, और सेकेंड ऑप्शन हम लोग को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया इस ट्रिक को लगाने से, वरना आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता, आपको नीचे लेना पड़ता जी, ऊपर लेना पड़ता, आपको लेट करना पड़ता रेजिस्टिव एक्सेलरेशन ए, उसके हिसाब से फिर आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा के देखना पड़ता कि असली में ये ए का वैल्यू कितना है। ठीक है, जो अपवर्ड आपको रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है उसका फोर्स कितना है, आपको फिर मास से ए को मल्टीप्लाई करना पड़ता एंड फिर लंबा पड़ता।
तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोगों ने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया साइंस के बेसिस पे, उसके बाद में हमको ये दो ऑप्शन मिला और यहां पर हमको इजीली फर्स्ट वाला ऑप्शन दोनों में अलग अलग था 1.25 और 10 और हम लोग को यहां पर 10 मिल गया। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट आंसर नहीं है और थर्ड सिर्फ यहां पर आंसर है। यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें तो आपको मजा आ जाएगा। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो स्टेशन है जहां पर प्रीति नाम की कोई लड़की है वो रीच करती है एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। मेट्रो स्टेशन में जो एस्केलेटर होते हैं जिससे लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप मूव करने लगता है, तो वो एस्केलेटर क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग मॉल्स में जाओगे, कभी भी देखोगे, कभी कभी इंडिया में क्या होता है, वो बंद पड़ जाता है, ठीक है, या कोई भी कुछ रिपेयरिंग की वजह से उसको बंद कर दिया जाता है। तो जब वो बंद पड़ा था उस टाइम पे प्रीति वहां पर पहुंची थी। शी वॉकड अप द एस्केलेटर, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर। एस्केलेटर क्या था ना, वो एकदम ऐसे ही खड़ा था, ठीक है, मूव नहीं कर रहा था। तो उसने फिर क्या किया, उसके पास कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, तो वो चल चल के पूरा ऊपर तक गई और उसको चल के ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो लगा T1, ठीक है। और जो दूसरा सिचुएशन है ऑन अदर डेज, दूसरे दिनों में जब एस्केलेटर काम करता है, उन दिनों में जब वो जाती है एस्केलेटर पे, शी रिमेन्स स्टेशनरी, वो खुद स्टेशनरी रहती है और एस्केलेटर मूव करता है ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तब जो टाइम लगता है उसको लगता है T2, ठीक है। जब वो एस्केलेटर रुका हुआ है और वो मूव कर रही है, चल के जा रही है, तो टाइम लगा T1। जब एस्केलेटर मूव करता है और वो खड़े रहती है एस्केलेटर के ऊपर, तो टाइम लगता है T2। क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। मतलब कभी कभी होता है ना, बच्चे जब स्कूल जाते हैं या मेट्रो लेट हो जाता है, मेट्रो छूटने का टाइम होता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कभी कभी, या कभी मेट्रो से निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मूविंग एस्केलेटर पर वॉक करने लग जाते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हम लोग उसमें गिर सकते हैं। और कभी कभी तो कुछ बच्चे और भी एक गजब के होते हैं, जैसे मैं था, मैं क्या करता था, एस्केलेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मैं उसी मूविंग एस्केलेटर जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उसमें मैं उल्टा नीचे जाया करता था, ठीक है। तो वो एक और बहुत, उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि वो वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें कह रहा है कि एस्केलेटर ऊपर मूव कर रहा है और मूविंग एस्केलेटर में ही प्रीति यहां पर वॉक कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मैं उल्टा केस बता रहा हूं। मैं क्या करता था, एस्केलेटर ऊपर मूव कर रहा है और मैं मजे मजे के लिए ऊपर से आता था नीचे वॉक करते हुए, और वॉक शायद कहना झूठ होगा, रन करते हुए आता था, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए हम लोग सोचते हैं, पहले फील करने का कोशिश करते हैं। सोच के देखो, T1 को आप 10 सेकंड मान लो, ठीक है, मान लो कि जब एस्केलेटर स्टेशनरी था और वो वॉक करके ऊपर जा रही थी, तो जो टाइम टेकन लगा वो था 10 सेकंड्स, ठीक है। जो दूसरा केस है T2, जब वो स्टेशनरी थी और जब एस्केलेटर ऊपर जा रहा था, तो उसको टाइम लगा कितना, 5 सेकंड मान लो अप्रोक्स, कम टाइम ही लगना चाहिए ना, जब वो खुद चल चल के ऊपर जा रही है उसको लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है। जब एस्केलेटर मूव करेगा, एस्केलेटर थोड़ा फास्ट मूव करता है ना इंसान के मूवमेंट से, तो वो क्या ले लेते हैं, 5 सेकंड ले लेते हैं, एक रफ फिगर ले लेते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो, फाइनल सिचुएशन ये है कि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और वो खुद भी ऊपर मूव कर रही है, तो दोनों का क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी एड अप हो जा रहा है उसके ऊपर वाले मूवमेंट पे, तो असली में जो टाइम टेकन होगा वो इस T2 से भी कम आना चाहिए ना, है ना। एस्केलेटर मूव कर रहा है, वो खुद भी मूव कर रही है, तो जो टाइम आना चाहिए वो 5 सेकंड से भी कम आना चाहिए, ठीक है। दोनों का एफर्ट लग रहा है, एस्केलेटर का भी लग रहा है, उसके खुद का एफर्ट भी लग रहा है ऊपर पहुंचने में, तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं लगाना है, बस वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें जो टाइम है वो 5 सेकंड से भी कम आ रहा है, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है उसमें नीचे में दिख रहा है T2 - T1, तो T2 - T1 छोटा है, T1 बड़ा है, ये नेगेटिव आ जा रहा है, तो ये नेगेटिव तो आंसर होगा ही नहीं, टाइम नेगेटिव तो ही होता है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है T1 T2 upon T2 plus T1, T1 T2 हो जाएगा 10 × 5 = 50 अपॉन T2 plus T1 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा बेसिकली 50 upon 15, ये आएगा 3 point something, ये हो सकता है करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, T1 - T2 बोल रहा है 10 - 5 = 5 सेकंड, ये नहीं हो सकता, ठीक है, T2 से थोड़ा कम होगा क्योंकि उन दोनों का एफर्ट लग रहा है ना वहां पर, तो T1 - T2 5 सेकंड, ये भी नहीं होगा। और T1 + T2 by 2 आ रहा है 10 + 5 = 15 by 2 होता है 7.5, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि T2 से ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, समझ रहे हो। इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इस वैल्यूज को अगर हम लोग ढंग से थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली आपको ये वैल्यूज लेना पड़ेगा जिससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, और यहां पर लग रहा है कि आंसर 2 ही होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप लोग ट्रिक्स लगाओगे, ये नीट 2017 का फिजिक्स दोनों क्वेश्चन इजीली ट्रिक से हो जाता है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट जब मैंने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे यार 15 से 20 सेकंड लगा था इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में सॉल्व करने तक, ठीक है। ये मतलब रीडिंग तो मेरी आदत हो गई तो मैं फटाफट कर लेता हूं, बाकी अगर कोई नया स्टूडेंट जो 11th 12th में है वो अगर रीड करता है क्वेश्चन को, तो रीड करने में लगना चाहिए
20-25 सेकंड, और फिर ट्रिक लगा के सॉल्व करने में लगना चाहिए 20 सेकंड्स। तो 40-45 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए इंडिविजुअल क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप ट्रिक लगाते हो तो ये क्वेश्चन 40-45 सेकंड, ये क्वेश्चन 40-45 सेकंड, बाकी पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ओरली हो जाता है। मैंने इसको ओरली किया था, जब मैंने क्वेश्चन को देखा था, पिक किया इस क्वेश्चन को इस एपिसोड में, तो मैंने ओरली किया था इन दोनों क्वेश्चन को, और बहुत इजीली आंसर आ गया था। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा, अगर आपने से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।